डीयू की बहादुर छात्रा ने डटकर किया झपटमार का सामना। छात्रा ने काफी दूर तक पीछा कर दबोचा मोबाइल झपटमार। स्नेचिंग का मोबाइल फोन भी कर लिया बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और भेज दिया सलाखों के पीछे। अब दिल्ली पुलिस बहादुर लड़की को देगी बहादुरी के लिए पुरस्कार। राजधानी में अपराधियों के हौसले कितने ही बुलंद क्यों ना हों, लेकिन अगर उनका डटकर सामना किया जाए तो आप उनके मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक बहादुर छात्रा ने, जो कि कहीं जाने के लिए एक ऑटो में सवार होने वाली ही थी कि अचानक पीछे से आया एक झपटमार इसका मोबाइल छीनकर भागने लगा। तभी क्या था, बहादुर लड़की ने भी बिना डरे झपटमार का उसी ऑटो से पीछा किया और कुछ ही दूरी पर इसे दबोच भी लिया। लड़की के शोर मचाने पर भीड़ भी जमा हो गई और गुस्साई भीड़ ने मोबाइल स्नेचर की जमकर धुनाई भी कर दी। वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे जेल भी भेज दिया। वहीं स्नेचिंग का मोबाइल फोन भी आरोपी से बरामद कर लिया। राजधानी दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, स्नेचिंग व अन्य कई तरह की वारदातें होना एक आम बात है। ऐसा ही एक वाकया हुआ संगम विहार की भीड़भाड़ वाली MB रोड पर, जहां एक शातिर लुटेरे ने ऑटो में बैठ रही लड़की का मोबाइल झपट लिया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस बहादुर छात्रा ने मोबाइल झपटमार का काफी दूर तक भागकर पीछा किया और जमकर शोर भी मचा डाला। और कुछ ही मिनट में इस बहादुर लड़की ने मोबाइल झपटमार को दबोच लिया। बस फिर क्या था, इलाके लोगों ने चोर को पकड़कर इसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शातिर मोबाइल झपटमार को सलाखों के पीछे भेज दिया। दिल्ली की एक बहादुर लड़की की वजह से कासिम नाम का ये मोबाइल झपटमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही पुलिस ने अब इस होनहार DU की छात्रा को मिसाल के तौर पर बहादुरी पुरस्कार देने की भी बात आगे रखी है। जहां एक तरफ इस बहादुर छात्रा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक मोबाइल स्नेचर को पकड़ा है, वहीं इस बात को भी साबित कर दिया है कि आजकल की लड़कियां किसी से भी पीछे नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी से स्नेचिंग के और भी कई बड़े मामले खुल सकते हैं। आपने अभी तक मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको को अपने आसपास की जानकारी मिलती रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, बस आपको नील रंग के लिंक को क्लिक करके YouTube में जाकर लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब लिखे बटन को दबाना है और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है, जिससे मेट्रो न्यूज पर कोई भी अपडेट होते ही आपको जानकारी मिलती रहे। आप कहां से आ रहे थे और क्या हुआ आपके साथ में आज? मैं आ नहीं रही थी, मैं जा रही थी आंटी के घर। तो जैसे ही मैं जाने लगी, तो जैसे मैंने ऑटो किया तो ऑटो में स्नेचर ने मेरे को धक्का दे के मेरा फोन ले लिया। तो मैं उसके पीछे गई, उसे पकड़ा और तुरंत ही पुलिस को फोन किया। क्या आपका स्नेच क्या हुआ था? फोन। अच्छा, क्या मिल गया आपको फोन? हाँ जी। आपने उसका पीछा किया स्नेचर का? हाँ जी। फिर पकड़ लिया आपने? हाँ जी। तो डर नहीं लगा आपको उस वक्त उसका जब पीछा आप कर रहे थे? थोड़ा सा डर लगा था, बट फिर बिना डर के मैंने उसको पकड़ के रखा और तुरंत ही पुलिस को फोन किया। क्या लगता है, इसी तरह से लोगों को मुकाबला करना चाहिए? हाँ जी, ऐसे ही करना चाहिए। सर, आज जो एक लड़की ने का जो मोबाइल छीन के स्नेचिंग करके भाग रहा था लड़का, लड़की ने आज बहुत काफी हिम्मत दिखा के उसको पकड़ा, क्या कहना है पूरा? ये गोरी लड़की है, ये MB रोड टी पॉइंट पे थ्री व्हीलर को एंगेज कर रही थी। इसी वक्त में एक लड़का आया कासिम, उसने उसको पुश किया और उसका मोबाइल छीन के भागा। लड़की ने काफ़ी दिलेरी दिखाते हुए इसका चोर चोर करके पीछा किया और काफ़ी दूर जाके इसको पब्लिक की हेल्प से इसको दबोच लिया। और जो मोबाइल इसने इसे छीना था वो भी रिकवर हुआ है इसमें। तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो लड़की ने काफ़ी दिलेरी इसमें दिखाई है और पब्लिक का जो कोऑपरेशन रहा वो बड़ा अच्छा है। इसमें यदि पब्लिक कोऑपरेट करे तो क्राइम में काफ़ी गिरावट आ सकती है। तो जिस तरीके से क्या दिल्ली पुलिस उस लड़की को इनाम भी देगी क्या? हाँ, अपने सीनियर अफसर को इसके लिए रिकमेंड करेंगे कि इस लड़की को रिवार्ड दिया जाए इसके लिए। तो लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी? लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी इसने टाइमली
अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के इसको चोर को पकड़वाने में हमारी बहुत सहायता की है। आपकी लड़की से बात हुई है, लड़की ने काफी दिल्ली पुलिस के बारे में भी तारीफ की, पुलिस मौके पर जल्दी आ गई। हाँ, इसने काफी प्रशंसा की है कि पब्लिक भी कोऑपरेट किया और पुलिस भी टाइमली वहाँ पहुंच के इसने अपना कार्रवाई की है।